For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशम नसीम है। मैंने कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री ली हुई है ऑडियोलॉजी की। ये 4 इयर्स का प्लान है और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं ऑडियोमेडिक्स में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि हम लोगों के कौन कौन से टेस्ट हैं और ये टेस्ट किस किस वजह से किए जाते हैं, इसमें इसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से पेशेंट को हम गाइड कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनको हेयरिंग लॉस होता है। हेयरिंग लॉस जिनको सुनने में और समझने में मुश्किलात पैदा होती हैं। आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली सुनने के मामले में। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। माएँ ख्याल नहीं रखती, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं और आप लोगों को किस तरह से इसकी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसका क्योर क्या है। हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, टिम्पेनोमेट्री है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री बेसिकली कान की समात का टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि आपकी समात कितनी मुतासिर है और बाद में फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टेस्ट है वो है टिम्पेनोमेट्री का। उसमें कान के पर्दे का टेस्ट होता है। उससे ये पता चलता है कि कान के पर्दे में कितना इन्फेक्शन है और अगर वो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, उसमें सर्जरी हो सकती है नहीं हो सकती, उसमें हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास छोटे बच्चों के टेस्ट होते हैं। उसके अंदर 6 माह के बच्चे का टेस्ट भी है, हमारे पास 2 साल के बच्चे का टेस्ट भी है और उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उस हिसाब से हमारे पास टेस्ट किए जाते हैं। जो समात का मसला है वो छोटे बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों में ये ज़्यादा मसले हैं क्योंकि उसमें ये चीज़ें हैं कि आपकी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं तो वो बच्चों में ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपका बच्चा गूंगा बहरा हो सकता है। तो बेहतर है कि जब आप लोगों के बच्चे पैदा हों तो आप उनकी अर्ली असेसमेंट करवा लें क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने आपके बच्चों की लाइफ इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। छोटे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन टेस्ट है, उसके अलावा उसका ABR टेस्ट होता है, इसके अलावा हम लोगों ने प्ले ऑडियोमेट्री करनी होती है। इसमें बच्चों की जो एज है वो काउंट होती है। छोटे बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन टेस्ट है वो 6 महीने के तक के बच्चे का होता है, फिर उसके बाद 2 साल के बच्चे तक का ABR का टेस्ट होता है और उसके बाद उसकी प्ले ऑडियोमेट्री होती है और बाद में उसकी प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है। इसके साथ साथ बड़ों के टेस्ट भी हैं जिसके अंदर उनकी प्योर टोन ऑडियोमेट्री है और टिम्पेनोमेट्री है। इससे आपकी पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको समात का क्या नुकसान हुआ है। अब आगे समात में हमारे पास मुख्तलिफ मसले हैं। 3 तरह के हमारे पास हेयरिंग लॉस होते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, एक सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और एक हमारे पास मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। अब आगे जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो इस तरह का हेयरिंग लॉस है जो दवाइयों से और सर्जरी से ठीक हो सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्में होती हैं जैसे कान में रेशा, कान का पर्दा फट जाना, इसके अलावा कान की हड्डियों का आपस में इकट्ठा फिक्स हो जाना। तो ये सारी चीज़ें दवाइयों से और सर्जरी के थ्रू इसको क्योर किया जा सकता है। इसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा मसला है वो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये इस तरह का मसला है कि ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ये आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं और ये
परमानेंट डैमेज है। इसका जो क्योर है वो सिर्फ और सिर्फ आला समात होता है। आला समात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अब मार्केट में आ चुके हैं। बहुत जदीद आला समात हैं हमारे पास, जो इतने छोटे हैं कि आपके कान में नज़र ही नहीं आते और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आला समात भी डिपेंड करता है कि आपका हेयरिंग लॉस किस तरह का है। अगर आपका मॉडरेट डिग्री है तो कान के अंदर वाला जदीद आला आपके मसले को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए आले होते हैं। छोटे बच्चों के आले बड़े रखते हैं क्योंकि उनके कान बहुत छोटे होते हैं और आप बार बार आप आला चेंज नहीं करवा सकते, इसलिए शुरू में उनका बड़ा आला लगाते हैं और बाद में वो छोटे में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। ये एक इस तरह का हेयरिंग लॉस है कि उसके अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और टेम्परेरीली डैमेज भी है। उसका जो कंडक्टिव पोर्शन है वो दवाइयों के साथ ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो समात है काफ़ी बेहतर हो जाती है। हेयरिंग एड्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो कोक्लियर इम्प्लांट की है। कोक्लियर इम्प्लांट का ये फ़ायदा होता है कि वो बच्चे जिनको हेयरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, उन बच्चों की ये सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी के बाद उनका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड से चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद ये होता है कि आपका बच्चा स्पीच थेरेपी के साथ, आप उसकी स्पीच थेरेपी से हम स्पीच थेरेपी करवाते हैं और साथ ही उसकी बोलने की मशकें होती हैं और वो बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह सर्वाइव करता है। आपको उनको स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं करवाने पड़ते, वो नॉर्मल स्कूल्स में रहते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं और बिल्कुल हमारी तरह सुनते और बोलते हैं। ये जो छोटे बच्चों में ये जो समात का मसला है ये ज़्यादा कज़न मैरिजेस की वजह से होता है, ये जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको शुगर और ब्लड प्रेशर होता है और उनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है, जिसमें चांसेस कम होते हैं कि वो रिकवरी करेंगे। उसमें फिर ये है कि उनका हल यही होता है कि वो आला समात यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वरना पहले तो लोग कहते थे डोरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, तो अब बहुत ही जदीद चीज़ें आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर हेयरिंग लॉस का आपको किस तरह से पता चल जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब आपके बच्चा आपके पास सो रहा है और आप लोग बोल रहे हैं और अगर वो नहीं जाग रहा तो हो सकता है कि उसको हेयरिंग लॉस है। इसके अलावा जब घर में दरवाज़ा खड़के और वो बच्चे को पता ही ना चले कि कोई आवाज़ आ रही है तो उससे पता चल सकता है कि उसको हेयरिंग लॉस है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो आपको फ़ौरन जाके ऑडियोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो आपके बच्चों के अंदर बहरेपन का मसला बढ़ता रहेगा और जब तक उसको आले नहीं लगेंगे तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई बातें डिस्कस करना चाहते हैं या अपने बड़े लोगों से जिनके साथ ये मसले हैं, वो मरहम के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, वो आके मेरे पास चेकअप करवा सकते हैं और इन केस अगर उनको हेयरिंग एड्स चाहिए होंगे तो हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद है और अब हम लोगों का कोक्लियर इम्प्लांट भी स्टार्ट हो चुका है।